हे गाइस, वेलकम बैक टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, मैं क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और बाकी के और भी अपलोड कर दूँगी मैं, लेकिन अभी आप ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर देख लीजिए। ठीक है, ये केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है, तो पहले इसमें क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसके बाद आंसर्स वीडियो क्लास में मिल जाएंगे आपको। देखिए, ये 1 मार्क वाले स्टार्टिंग में 3, देन यहाँ से ये 2 मार्क वाले हैं, आंसर्स वीडियो क्लास में है। ठीक है, यहाँ तक मैं दिखा चुकी हूँ आपको। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, 13, 14, 15, 16, आपके क्वेश्चंस थे। ये देखिए, सेक्शन भी 2 पार्ट्स में है, एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, और दूसरा केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इन सब के आंसर्स वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे आपको। आपको एक व्यू देने के लिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ सैम्पल पेपर, बाकी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस रख रही हूँ, तो आप भी वहीं से ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए अपना सिलेबस। अगर आप कवर कर सकते हैं, तो मैंने अभी सिलेबस का एनालाइज करके कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और मैं थोड़ी देर में ही इंग्लिश के नोट्स पोस्ट कर दूंगी, तो वो भी देख लीजिए कि आपके आंसर की है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द मोलर मास ऑफ NH3। ठीक है, जी देखिए आपके आंसर से, देखिए अगर आप पूरा सॉल्व कर देते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर आप पूरा सॉल्व कर देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें। ठीक है, और अगर आप इसकी SI यूनिट लिखना भूल जाते हैं, अगर आप इसकी यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं, तो कम से कम आपको आधा नंबर मिल ही जाएगा। तो आपको सॉल्व ज़रूर करना है इसको। ठीक है, ये सारे आंसर्स हैं आपके। अगर आप जैसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर भी ठीक आता है, लेकिन आप उसमें SI यूनिट नहीं लिखते हैं, तो आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि SI यूनिट बहुत मायने रखती है। SI यूनिट से पता लगता है कि वो है क्या, जैसे यहाँ पे देखिए क्लो जूल। ठीक है,
अगर वीडियो क्लियर नहीं दिखती है, कोई इश्यू होता है तो आप अपने फ़ोन की थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन का, शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और शॉर्ट नोट्स। यह है सेक्शन बी, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस सॉल्व भी किए हुए हैं और इसमें बताया हुआ है कि आपको मार्क कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं इन्होंने और कुछ में बता दिया है। जैसे देखिए, 1 मार्क फॉर ईच ऑफ द 4 करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो ये मार्किंग के लिए है ये सैम्पल पेपर, और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन क्वेश्चन पेपर से कीजिएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल सेट करने के लिए पोस्ट कर रही हूँ कि आपको पता लग जाए कि सैम्पल पेपर होता कैसा है, ठीक है। और मैं जल्दी ही बाकी नोट्स पोस्ट कर रही हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इंग्लिश के नोट्स पोस्ट करूँगी आपके लिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वहाँ हमारे चैनल पे हैं, वहाँ से देख लीजिएगा आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।